नमस्कार मेरे वियली भाइयों, ये वीडियो आईटीआर फिलिंग के लिए है कि आईटीआर हमें कैसे फिल करना है। बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि वीएलई आईटीआर फिल कर सकता है या नहीं कर सकता, या वीएलई किसी का आईटीआर फिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि वीएलई अपना आईटीआर भी अपने पोर्टल से फिल कर सकता है और सिटीजन जो और लोग हैं उनका भी आईटीआर अपने पोर्टल से फिल कर सकता है। अब जैसे कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हम मेरा पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी कुछ लोगों का टीडीएस आता है, जिनका टीडीएस कटता है, यहाँ पर टीडीएस आता है, ठीक है, यहाँ पर टीडीएस आता है और आईटीआर उसके लिए बोला जाता है कि आईटीआर फिल करेंगे तो वो टीडीएस आपका वापस आ जाएगा। यहाँ पर टीडीएस आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईटीआर फिल कैसे करते हैं, कैसे करना है आईटीआर फिल। आप अपना भी आईटीआर फिल कर सकते हैं और आप किसी भी कस्टमर का, सिटीजन का आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो वीएलई के लिए आईटीआर कैसे फिल करना है और सिटीजन के लिए, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ सीएससी पोर्टल पे टैक्स करके ये आ रहा है, शॉर्टकट आ रहा है सबसे पहले। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, डिजिटल बिल सेवा यस कर दिया, कनेक्ट कर दिया सीएससी कनेक्ट। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगा। अब हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भरेंगे। अब मान लीजिए आप एक वीएलई हैं तो यहाँ आप वीएलई पे टिक करेंगे, अगर आप एक सिटीजन हैं तो सिटीजन पे। अब मान लीजिए हमारे वीएलई भाई भर रहे हैं तो यहाँ हमने वीएलई पे टिक कर दिया। और आगे की डिटेल ये भरेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भरेंगे। अब देखिए, वो सारी चीज़ें हमने ऊपर भर दी थी, सारी चीज़ें हमने ऊपर भर दी। उसके बाद यहाँ पर वीएलई नाम पड़ेगा, वीएलई का मोबाइल नंबर पड़ेगा और वीएलई की ईमेल आईडी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपना जो मेन अकाउंट है आपका वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी। अब नीचे ये चीज़ है, मान लीजिए कोई सैलरी वाला है तो उसकी सैलरी पे हमें यस करना है, अगर सैलरी नहीं है तो नो करना है। और मान लीजिए मैं एक बीएलई की भर रहा हूँ, और कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन, मतलब अगर उसका कोई कैपिटल, मतलब उससे खेती वेती से कोई इनकम होती है, तो वो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करना है। बिजनेस इनकम, अब बीएलई जो भी हैं वो सब बिजनेस इनकम में आते हैं, तो उनको यहाँ पर बिजनेस इनकम में यस करना है। अच्छा, जो टर्नओवर है वो लेस देन 20 लाख है तो लेस देन 20 लाख कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर हाउस से कोई इनकम आ रही है या रेंटल वगैरह कुछ आ रहा है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आइए आप, उसके बाद ये पूछ रहा है एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब उसके बाद आइए यहाँ पर रीमार्क में, ठीक है, यहाँ ये डाल देना फॉर टीडीएस रिटर्न रिक्वायर्ड। अब जो पेन कार्ड है वो पीडीएफ में लगेगा, जो पेन कार्ड है वो पीडीएफ में लगेगा, जो डेस्कटॉप में डाला हुआ है, जो डेस्कटॉप में हमने डाला हुआ है वो पीडीएफ में, वो पेन कार्ड हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। ये पेन कार्ड आ गया। अब नीचे आइए आप, अब देखिए कौन से ईयर के लिए हम भर रहे हैं, 2023 से 2024 के लिए। अब यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। अब ईयर सेलेक्ट कर दिया, अब इसको यहाँ पर टिक कर दिया और अब सबमिट कर देंगे, यहाँ नो थैंक्स सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही साथ ही आपसे पेमेंट मांगेगा, यहाँ पेमेंट कर देंगे। फ्लैट आपको 207 रुपये कमीशन आएगा, अगर मान लीजिए आप किसी सिटीजन का भर रहे हैं तो 207 रुपये कट के ही उसमें जाएगा, 435 रुपये कटेगा आपका। अब देखिए, पेमेंट कट चुका है, इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को बता दूं
कि आईटीआर जब हम फिल कर रहे हैं तो आप ये समझिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि आईटीआर की एप्लीकेशन दे रहे हैं टैक्स टू विन को। और टैक्स टू विन क्या करेगा, हमारे जो नंबर्स होंगे जो आईटीआर के टाइम पर हमने डाले हैं उन पर कॉल करेगा और ओटीपी पूछेगा। ये टैक्स टू विन का काम है। अगर इस आईटीआर में कोई गलती भी होगी तो वो सुधारेंगे टैक्स टू विन वाले, यानी टैक्स टू विन की जो टीम है उनके पास बहुत सारे एजुकेटेड सीए उनके पास हैं, तो वो लोग कॉल करके हमारी आईटीआर को भरेंगे। हम तो खाली यहाँ पर एक एप्लीकेशन और लीड जनरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन और रह गया है, ये देखिए यहाँ पर दो ऑथेंटिकेशन है। अब सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी टिक कर देंगे हम, इनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा, ये ओटीपी वहां डालेंगे। अब देखिए इसमें इम्पोर्ट 26AS में दो चीज़ें हैं, एक तो आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा सकता है, अगर ओटीपी बाय चांस नहीं पहुंचता है तो चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड से करके आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे भी ओटीपी ले सकते हैं। अगर आपका ओटीपी पहुंच गया है तो आप ओटीपी यहां पर डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है, कभी कभी वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं आता, तो आप चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड करके ITD कर लेंगे, यहाँ पर ITD कर लेंगे, ITD पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी रिसीव होंगे, वो वहाँ यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए आपका 26AS किसी टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो टैक्स टू विन वाले खुद ही इसको वो करेंगे, इसको खुद ही इंपोर्ट करके दे देंगे। उसके बाद आपको ऐसी एक स्लिप मिलेगी, स्लिप के बाद आपको एक या दो दिन में टैक्स टू विन की कॉल का कॉल आएगा, टैक्स टू विन की जो टीम होगी उसका कॉल आएगा। कॉल के बाद वो आपसे कुछ ओटीपी वेरीफाई कराएंगे, ओटीपी करेंगे, इसी के साथ आपका आईटीआर भर जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम यहाँ आईटीआर की लीड जनरेट कर रहे हैं और लीड के साथ साथ आईटीआर की लीड जब हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा पूरा प्रोसेस है आईटीआर का वो टैक्स टू विन की जो कंपनी है उनके सीए करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत सिंपल प्रोसेस है और एक अच्छा कमीशन है, 207 रुपये एक आईटीआर में बच रहे हैं। उसके साथ साथ जब आपके नंबर्स ऑफ आईटीआर ज़्यादा होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपको भेजा होगा कि उस पर कुछ इनाम भी है आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।